आपको यूपी लिए चलते हैं। यूपी में क्या हुआ है उसको समझने के लिए आप इसको देखिए। बहराइच उत्तर प्रदेश का जिला है, बहराइच, जहां पर भेड़ियों का खौफ है। भेड़िया आया और इस भेड़िए ने नाक में दम कर रखा है, कई लोगों की जान ले ली। प्रशासन लगातार कई दिनों से यहां पर डेरा जमाए हुए है। क्या हुआ है ये आपको विस्तार से बताते हैं। मां अपने 7 साल के बेटे अयांश के साथ रात में आंगन में सो रही थी। भेड़िया कब बच्चे को उठा ले गया, मां को पता भी नहीं चला। जब नींद खुली तो छोटा बेटा गायब था। घरवालों के साथ रात भर बेटे को खोजती रही लेकिन नहीं मिला। सुबह गांव वालों ने बताया कि बेटे का शव खेत में पड़ा है। बेटे का पूरा सिर भेड़िया खा गया था। ये हाल बहराइच का है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से 35 गांव खौफ में है। बहराइच के भेड़ियों की एक कहानी अब हर जगह चल रही है, तो सोचा हमने आपको क्यों ना आपको भी एक खबर को दिखाई जाए, इसलिए दिखा भी रहे हैं। लेकिन ये खबर है क्या है इन खूंखार भेड़ियों की पूरी कहानी, उसके लिए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात में उठता है खासकर बच्चे, ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। 20-25 किलोमीटर यहाँ जा सकता है अपनी शिकायत के लिए। लोग डर रहे हैं, खौफ के साए में है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दहशत है भेड़ियों के आतंक से। हालांकि बताया जा रहा है कि 6 भेड़ियों में से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, तस्वीर हम आपको उसकी दिखाते हैं। यह उस चौथे भेड़िए की तस्वीर है जिसे आज वन विभाग ने पकड़ा है। इन 35 गांवों में भेड़ियों का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग लाठी डंडे लेकर रात को पहरेदारी करते हुए नजर आने लगे। जनता में खौफ को देखते हुए मैसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी बंदूक उठा ली। वो राइफल लेकर ग्रामीणों के साथ कॉम्बिंग कर रहे हैं। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं और लोगों से वो आश्वासन दे रहे हैं कि भैया हम हैं, आप डरिए मत। लेकिन ये डर खत्म नहीं होता जब तक भेड़िए वहां से खत्म नहीं होते या फिर वहां से पकड़े नहीं जाते। 4 को पकड़ लिया गया लेकिन लोग डरे हुए हैं, खौफ में। उनके बच्चों की सुरक्षा का जो सवाल है, मां के चेहरे पर शिकंज आपने साफ देख लिया है, पिता के हाथ में लाठी है, दोनों को चिंता है तो सिर्फ अपने मासूम बच्चे की। और ये एक घर की कहानी नहीं, 35 गांव की कहानी है। किसी ने अपना बेटा खो दिया और मां की हालत रो रो कर खराब हो गई। सोना दुश्वार हो चुका है, क्या करें, डर ही इतना है। हालांकि चौथा भेड़िया पकड़ में आ गया है और यूपी सरकार में वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 और भेड़िए बाकी हैं, उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। अब इन भेड़ियों की आतंक की पूरी टाइमलाइन क्या है ये भी आपको बता देते हैं। प्रशासन ने अब तक क्या कुछ कहा है वो भी आपको समझाते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि भेड़िए की खबर आप लगातार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन इसका पूरे खबर से क्या एक एक दिन में अपडेट हुआ है ये आपको बता देते जल्दी से। 35 गांव में भेड़ियों का खौफ है। बहराइच के 35 गांव भेड़िए के आतंक से परेशान हैं। ये भेड़िए लोगों की जान ले रहे हैं, अब तक कर चुके हैं 38 से ज्यादा हमले लोगों पर। आदमखोर ये भेड़िए हो गए। 47 दिन में 7 लोगों को शिकार बना डाला है। 7 लोगों को इन्होंने शिकार बनाया है 47 दिन में। 7 में से 6 बच्चे हैं, बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। और ये खौफनाक कहानी यहीं नहीं रुकती है, आगे क्या है, 22 से ज्यादा लोग घायल है। 22 से ज्यादा लोगों को भेड़ियों ने घायल कर दिया है। जल्दी से आपको अपडेट के साथ पूरी खबर बताते हैं। 8 से 10 भेड़ियों की संख्या यहां पर बताई जा रही है इस पूरे गांव में, जिसको लेकर सर्चिंग की जा रही है। वन विभाग की टीम जुटी हुई है और 1 नहीं 2 नहीं 9 टीमें यहां पर काम कर रही है। 9 टीमें उन भेड़ियों की खोज कर रही है। 200 से ज्यादा कर्मचारी सिर्फ भेड़ियों के लिए लगाए गए हैं ताकि इन भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। 4 भेड़ियों को पकड़ भी लिया गया है, यह भी खबर आपको बता रहे हैं। 200 से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया गया है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन के माध्यम से देखा जा रहा है कि क्या स्थिति है बहराइच में। इसके अलावा और क्या खास है और की क्या खबर है देखिए। हरदी के मक्कापुरवा में 1 साल में बच्चे को बनाया 17 जुलाई को शिकार। ये टाइमलाइन के साथ पूरी खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं। 17 जुलाई को 1 साल के बच्चे को शिकार बनाया, ये आदमखोर भेड़ियों की पूरी कहानी आपको विस्तार से बता रहे हैं। और इसके अलावा क्या है, 26 जुलाई को हरदी के नकवा गांव में 3 साल की बच्ची इसकी शिकार बन गई।
ये भेड़िए बच्चों को शिकार बना रहे हैं। इसके अलावा 3 अगस्त को हरदी के कुलेला में 8 साल के बच्चे को भेड़िए उठाकर ले गए। तो भेड़ियों की एक कहानी विस्तार के साथ साथ अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं। 4 साल की बच्ची भेड़ियों का शिकार बनी कब? 17 अगस्त को। अभी 17 अगस्त गुजरा है, 17 अगस्त तक बच्चे को शिकार बनाते हुए भेड़िए की कहानी सामने आई है। 21 अगस्त को क्या हुआ? हरदी के बस्ती गडरिया गांव में 7 साल की बच्ची पर भेड़ियों ने हमला कर दिया। ये भेड़ियों की लगातार हमले की खबर तारीख के साथ आपको बता रहे विस्तार से। महसी में 60 साल की महिला पर हमला हुआ, कब? 25 अगस्त को। विस्तार से इस खबर को जानिए कि इन भेड़ियों का आतंक कितना है यूपी के बहराइच में, इसलिए इस खबर को आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा खैरीघाट में 7 साल का बच्चा शिकार बना 26 अगस्त को, 2 दिन पहले, और लगातार अब इसकी शिकायत की गई है तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 भेड़ियों को पकड़ भी लिया है। लेकिन खबर ये भी है कि अभी भी कुछ भेड़िए इस गाँव में मौजूद हो सकते हैं जिसको लेकर तलाश की जा रही है। तो भेड़ियों की पूरी कहानी हमने आपको बता दी है।